नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। पुलिस ने 11 अवैध असलहों के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से 10 तमंचा, 1 पिस्टल और 1 बाइक किया बरामद। चुनाव में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से असलहा की खेप बिहार से गाजीपुर लाई गई थी। एसपी ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का किया खुलासा। जमानिया और रेवतीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी कामयाबी। यूपी के विधानसभा चुनाव की अराजकता फैलाने के लिए अब असलहा तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। जी हां, गाजीपुर में विधानसभा में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से बिहार के रहने वाले तस्कर अख्तर अंसारी समेत जिले के सेवराय तहसील के महावीर को 11 अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कामयाबी गहमर और रेवतीपुर थाने की संयुक्त कार्रवाई में मिली है। इस बात का खुलासा एसपी रामबदन सिंह अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। इस दौरान गाजीपुर एसपी रामबदन सिंह ने बताया कि सीओ जमानिया और एसओ रेवतीपुर द्वारा देर रात चुनाव के मद्देनजर जमानिया के दिलदार नगर के बक्सी का डेरा तिराहा पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 2 लोग आते दिखे, जिनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो इन दोनों ने पुलिस पर फायर झोंकते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त अख्तर अंसारी ग्राम मुखराओ थाना कुचिला कैमूर बिहार का रहने वाला है, जबकि दूसरा महावीर ग्राम सेवराई थाना गैमर गाजीपुर का रहने वाला है। इनमें से अख्तर अंसारी के खिलाफ गैमर और रेवतीपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत पहले से मुकदमा पंजीकृत है। गाजीपुर से मंडल प्रभारी अजय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ले जाइए सर, देखिए आज रात में मुठभेड़ के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से अख्तर सना कयामुद्दीन है और ये भभुआ जिले का रहने वाला है, और दूसरा जो लड़का है वो महावीर है और ये सेवराई का रहने वाला है। इनके पास से 10 अवैध असलहे मिले हैं और 1 30 की पिस्टल मिली है। कुल मिलाकर के 11 असलहे और 11 राउंड इनसे बरामद हुए हैं। ये यहाँ पर सप्लाई के लिए लाया था तब पकड़ा गया है। सर, इनका आपराधिक इतिहास भी कुछ है? हाँ, ये जो अख्तर है इसका पहले आपराधिक इतिहास अभी मिला है जो पिछले साल का है, और अभी और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन से पता कर रहे हैं कि और कितने अपराध हैं इसके। सर, तो ये पिस्टल ये शस्त्र ले जाते किस लिए ले जाते क्या पता चला था? अब इनका ये था कि अब चूंकि इलेक्शन आया है तो इसकी काफ़ी डिमांड है, इसी की ये सप्लाई करने आया था। मतलब इलेक्शन को लेकर? सर हाँ, इलेक्शन को लेकर कि अब इलेक्शन में काफ़ी लोग खरीदते हैं इसीलिए आया था। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किसे किसे इसका सप्लाई करना था। इसे इन लोगों का सर आपराधिक रिकॉर्ड भी कुछ देखा जा रहा है।